Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, that is Madam Rides the Bus part 3. Students, in previous video part 1 and part 2 video we have already read line by line summary of half of the chapter. I hope you all have watched that part of the video. So hurry up, open your books, first flight. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि एक बच्ची है वल्ली जो कि 8 साल की है और उसका बहुत मन करता है कि वो विलेज से जो है सिटी की तरफ अपना बस में राइड करती हुई जाए. ठीक है, तो वो ऐसा प्लान भी बना लेती है, बस में भी बैठ जाती है और वो विलेज से टाउन की तरफ जो है बस में बैठ करके बाहर के नज़ारे देखते हुए जा रही होती है. सो लेट्स कंटिन्यू. समहाउ दिस वे वेरी फनी टू वल्ली. She laughed until there were tears in her eyes. तो अब होता क्या है कि वली जो है उसके लिए क्या होता है, बहुत फनी चीजें होती हैं ये सब चीजें. जैसे उसने देखा कि जो काओ है, जो गाय थी, वो बस के आगे जो है भागती हुई जा रही थी, जो गाय का बच्चा था, उसके लिए चीजें बहुत फनी थी और वो हंसती रही जब इतनी जोर जोर से हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? कॉल द कंडक्टर. अब कंडक्टर कहता है, हाँ लेडी, तुम कुछ बस ठीक है, हो गया, तुम कुछ ज्यादा नहीं हंस रही. बेटर सेव सम फॉर टुमारो. अच्छा है तुम अपनी ये हंसी तो जो है कल के लिए बचा करके रखो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग. तो हुआ क्या कि अब आखिरकार जो काउ थी वो बस के वहां से हट गई. ठीक है, मतलब रोड से हट गई और बस कहाँ पहुंची, बस जो है रेल रोड क्रॉसिंग पे पहुंच गई. अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज ए ड्रू नियर. आप सबने भी देखा होगा कि जब हम रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं, जब ट्रेन जो है दूर से आ रही होती है और जब पास आती रहती है तो इतनी बड़ी और बड़ी नजर आती है. देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल शेकिंग द बस. और जब बिल्कुल पास से होकर के जाती है तो होता क्या है कि वहां पे इतनी ज्यादा शोर होता है. ठीक है, उसके इंजन की इतनी आवाज आती है और क्या होता है, और जो वहां पे जो चीजें होती है वो थोड़ी थोड़ी शेक करने लग जाती है, तो बस भी जो है थोड़ी सी शेक करने लग गई थी, मीन्स हिलने लग गई थी. देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन. फिर बस वहां से चली और ट्रेन स्टेशन को पास के वहां से गुजर गई. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्सिंग अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रू फेयर. तो अब हुआ क्या, फिर वो जो वहां से जो है बस वहां से रेल रोड से क्रॉसिंग कर गई. उसके बाद वो कहाँ पहुंची, जहां पर शॉपिंग स्ट्रीट थी, मतलब जहां पर शॉपिंग वाली गलियां थी वहां पहुंची. फिर वहां से जो है एक इतनी बड़ी रोड की तरफ वो टर्न कर गई. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी ब्राइट ब्राइट शॉप्स थी. वट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स. और वहां पर जो है बड़े बड़े ग्लिटरी चमकदार क्लोथ्स दिखाई दे रहे थे. ठीक है, और बहुत ही ज्यादा क्राउड भी था. स्क्रप डम्प विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग. अब वली जो है एक एक चीज को बड़े ध्यान से हैरानी से घूर घूर के देख रही थी. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गेट ऑफ एक्सेप्ट वली. फिर क्या हुआ, बस रोकी और सब पैसेंजर्स बस से उतर गए वली को छोड़ करके. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. कंडक्टर ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं उतरना. दिस इज एज फार एज यूर 30 पैसे टेक्स यू. ये इतना ही था जितने तुमने 30 पैसे मुझे दिए थे, ये इतना तक ही उसका रास्ता था. नो वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. वली ने कहा नहीं, मैं इस सेम बस से वापस जाऊंगी. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर. फिर वली ने क्या करा, अपनी पॉकेट में से 30 पैसे के कॉइन्स निकाले और कंडक्टर को दे दिए. क्लियर, वाई इज समथिंग द मैटर. कंडक्टर ने बोला कि ये बात क्या है, मैटर क्या है. नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. कि कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है, मैं सिर्फ बस की राइड करना चाहती थी. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर. क्या अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो यहाँ की चीजों को देखना नहीं चाहोगी. ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई बी मच टू अफ्रेड. थी मैं, वो भी खुद से अकेली, नहीं मुझे वो डर लगता है. ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड,
बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस. तो अब क्या हुआ, अब जैसे उस लड़की ने बोला ऐसे कंडक्टर को कि नहीं नहीं मैं नहीं घूम सकती, तो वो कंडक्टर कहते क्या अच्छा तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर. उसने कहा नहीं उसमें डरने वाली क्या बात है. वेल देन वाई नॉट गो टू द दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक. तो तुम ठीक है, तुम क्यों वहाँ उस स्टॉल पे चली जाओ, कुछ ले लो अपना खाने पीने का. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, तो तुम्हें यहाँ भी डरने की जरूरत नहीं है. ओ नो आई कुडंट डू दैट, उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता हूँ. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल. उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे तुम सिर्फ मेरी टिकट दे दो. इट विल बी माई ट्रीट एंड नोट कॉस्ट यू एनीथिंग. उसने कहा कि मेरी तरफ से ट्रीट होगी, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, इसके कोई पैसे नहीं है. नो नो शी सेड फॉर्मली प्लीज. उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे फॉर्मली उसने जवाब दिया. उसने कहा कि नहीं. द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन, देयर वर नो मैनी पैसेंजर्स. फिर क्या हुआ, कंडक्टर ने भी उसकी बात को इग्नोर करा. फिर वो जो है दूसरी बार बस के चलने का, बस के वापस चलने का वेट कर रहे थे, ठीक है. और दोबारा जो पैसेंजर्स थे वो भी बस में इतने पैसेंजर्स नहीं थे. वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. जब कंडक्टर ने गर्ल को उसकी टिकट दी, उसने कहा क्या तुम्हारी मदर जो है तुम्हें देख नहीं रही होगी, तुम्हारी चिंता नहीं कर रही होगी? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड. उसने कहा नहीं नहीं मुझे कोई भी नहीं देख रहा होगा. द बस स्टार्टिंग एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट. फिर बस स्टार्ट हुई, वापस से वो जो वंडरफुल साइट्स थी वो दिखाई दे रही थी. वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम. अब वली जो है इस बार भी बोर नहीं हो रही थी, वो उसी एक्साइटमेंट से चीजों को देख रही थी जैसे वो बस विलेज से शहर के शहर जब बस आ रही थी तब उस एक्साइटमेंट से देख रही थी फर्स्ट टाइम. वैसे ही जब बस शहर से विलेज की तरफ जा रही थी उसी एक्साइटमेंट से वली उन चीजों को देखती हुई जा रही थी. बट सडनली शी सा अ यंग काउ लेइंग डेड बाय रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. तो फिर जो वली ने देखा उसी टाइम कि एक यंग काउ जो है वो डेड मरी हुई रोड के साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है. और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी फास्ट व्हीकल ने जो है हिट कर दिया हो, स्ट्रक कर दिया हो. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip down? She asked the conductor. अब उसने कंडक्टर से पूछा ये वही cow, ये तो वही cow है ना जो हमने बस में आते टाइम देखी थी, जो बस के आगे आगे भाग रही थी. The conductor noted and she was overcome with sadness. Conductor ने noted का मतलब होता है ऐसे सिर हिलाना. कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और उसने कहा और वली जो है वो बहुत ही ज्यादा sad होगी, उदास होगी. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread gable, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो अब जो है वली सोच रही है कि कितनी ब्यूटीफुल सी, थोड़ी देर पहले ही कितनी ब्यूटीफुल सी चार्मिंग सी क्रिएचर थी और अब अचानक देखो ये बिल्कुल शांत हो गई है, इसमें लाइफ ही नहीं है और ये कितनी हॉरिबल भयानक सी लग रही है. उसको देख करके डर भी लग रहा है और उसकी लेग्स कैसे फैल गई हैं, ठीक है, और उसकी बिल्कुल एक लाइफलेस हो गई है वो और चारों तरफ जो है ब्लड गिरा हुआ है, उसकी आईज में भी लाइफ नहीं है. द बस मूव्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड डियर. तो अब हुआ क्या, बस जो है वो मूव ऑन हुई, मूव आगे की तरफ चली और जो काउ की मेमोरी थी जिसे वली याद कर रही थी वो उसको याद करके वो जो है बिल्कुल डर रही थी. डैम्पिंग हर एंथुसियाज्म, अब उसका एंथुसियाज्म जो था वो खत्म हो गया था. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो जो है विंडो से बाहर की तरफ नहीं देख रही थी. शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट
340। तो अब वो जो है बिल्कुल अपनी सीट के साथ ऐसे चिपक करके बैठ गई जैसे कि कोई ग्लू चिपक गई हो, ठीक है। और वो तब तक बैठी रही जब तक 340 पर वो उसकी बस जो है वो विलेज तक नहीं पहुंच गई। She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर वो उठी, उसने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करा, फिर उसने कंडक्टर को बोला कि वेल सर, आशा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। उसने कहा ठीक है मैम, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. उसने कहा कि जब भी तुम्हारा मन करे बस में राइड करने का तुम आना, हमें ज्वाइन करो, बट तुम अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. फिर वो हंसी और वो बस से जंप कर गई नीचे की तरफ। Then away she went running straight for home. फिर वो जो है बिल्कुल अपने सीधा घर की तरफ भागती हुई चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Bali's aunt and the one from South Street. फिर जब उसे घर में एंटर करा, उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो जगी हुई है और वो उसकी आंट से बातें कर रही है जो कि साउथ स्ट्रीट से थी। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. और वो जो aunt थी वो सच में chatterbox थी और वो कभी भी अपना mouth बंद नहीं करती थी अगर एक बार वो बोलना start कर देती थी। And where have you been? Said her aunt when Wally came in. जब Wally अंदर आई तो aunt ने पूछा कि कहाँ थी तुम? He spoke very casually, not expecting a reply. उसने बहुत normally पूछा casually, उससे कि expected reply expect नहीं कर रहा था कि Wally उसको answer दे। So Wally just smiled and her मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। फिर वली ने स्माइल करी, फिर उसकी मदर, वली की मदर और उसकी आंट जो है वो कन्वर्सेशन करने लगे। यस यू आर राइट, उसने कहा कि हाँ तुम ठीक हो। हर मदर सैड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब वो कह रहे कि हमारे यहाँ पर संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, अब हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, वी ओपन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। कैन वी, अगर हम चीजों के बारे में जान भी लेते हैं तो हम उन्हें कम्प्लीटली अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ओ यस ब्रीथ वली, वली ने सांस लेते हुए कहा हाँ सही बात है। व्हाट आस्क्ड द मदर, तो उसकी मदर ने पूछा क्या, व्हाट्स दैट यू से, तुम क्या कह रही हो। ओ सैड वली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वली ने कहा कि मैं तो सिर्फ आपकी बात में हाँ मिला रही हूँ जो आपने कहा, ठीक है। जस्ट अ चिक टॉक ऑफ गर्ल शी इज सैड हर आंट एंड जेट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कॉन्वर्जेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। तो उसकी आंटी ने कहा कि देखो इस लड़की को देखो कि कैसे कि हमारी कॉन्वर्जेशन के बीच में अपनी नाक अड़ा रही है जैसे कि इतनी बड़ी ग्रोन लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। अब वली ने जो है खुद से स्माइल करा, वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल का कारण कोई समझे। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन अब उसका जो है कोई चांस भी नहीं था। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका कि उसका जो है कि तब इसका कोई चांस था। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस। आपने देखा कि वली ने कैसे प्लान बनाया और कैसे विलेज से लेकर के उसने सिटी तक का ट्रैवल करा प्लान बना करके। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा मैडम राइड्स अब अच्छे से समझ में आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।